प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लाइंस में घंटों इंतजार के बाद श्रद्धालु भीतरी गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचते हैं। एक सिंगल पॉइंट एंट्री से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मुख्य मंदिर में दाखिल होती है। पहले श्रद्धालुओं के एक बैच को अंदर जाने दिया जाता है, फिर कुछ पल के लिए अंदर आने वालों को रोककर बाहर निकलने वालों को जाने दिया जाता है। एक औसत दिन में हर घंटे करीब 4,000 तीर्थयात्री इस दरवाजे से गुजरते हैं। तो आम तौर पर हम एक नियम पर चलते हैं, 3 minutes in, 4 minutes out, 3 minutes in, 4 minutes out, तीसरी बार में 3 minutes in, 5 minutes out। क्योंकि लाइंस का आगे चलते रहना जरूरी है, इसीलिए हर श्रद्धालु किस्मत से ही गर्भगृह के सामने कुछ सेकंड से ज्यादा ठहर पाता है। फाइनली हमें दर्शन हो गए, इससे मिलने वाली शांति ही हमें ताकत देती है। हाँ, कई घंटों के इंतजार के बाद जब आप भगवान के सामने पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ शांति मिलती है। हम बस उस एक पल के सुकून के लिए यहाँ आते हैं। जिस पल आप उनके दर्शन करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, ये भी ध्यान नहीं रहता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किसकी पूजा करें, तो आप उन्हें बस देखते रहते हैं और बस यही आपकी पूजा होती है। ज्यादातर श्रद्धालुओं के लिए कुछ सेकंड्स काफी हो सकते हैं, तो कुछ के लिए नहीं। इस गर्भगृह में कई अजूबे हैं जिनके लिए ज्यादा लंबी झलक की जरूरत हो सकती है। तो जहाँ रिवाज इजाजत नहीं देता, वहाँ सूझबूझ ने एक रास्ता निकाला है। वेलकम टू द नमूना आलयम, यानी रेप्लिका टेम्पल, जो है मंदिर के भीतरी मंडपों की हूबहू नकल। इसे 2008 में मंदिर की इजाजत से टेलीविजन ब्रॉडकास्टर SVBC या श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल ने तैयार किया था। लोग वेंकटेश्वरा की महिमा देखना चाहते हैं, पर सबको तो वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर कोई वहाँ जाकर ये सब चीज़ें देखना चाहता है, उसके लिए हमने पूरे तिरुमला मंदिर का एक रेप्लिका बनाया है। तिरुपति में हम भगवान वेंकटेश्वर की सभी सेवाओं को ठीक वैसा ही शूट कर रहे हैं जैसे वो तिरुमला मंदिर में होती हैं। नमूना आलयम या रेप्लिका टेम्पल एकदम असली जैसा ही दिखता है, खासकर गर्भगृह यानी इनर मोस्ट चेंबर। यहाँ पर ही है श्री वेंकटेश्वर स्वामी की काले पत्थर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा यानी मूल विराट। श्रद्धालु उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जो हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुमला बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि यहाँ ये प्रतिमा किसने बनाई या स्थापित की, लेकिन बहुतों का मानना है कि ये यहाँ इस रूप में स्वयं प्रकट हुई थी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पोर्ट्रेट्स या तस्वीरों में ज्यादातर ये ही स्वरूप दिखाया गया है। लेकिन यहाँ बस यही स्वरूप नहीं है, मुख्य प्रतिमा के आसपास कई और प्रतिमाएं हैं, हर एक की अलग पहचान, तय मकसद और वजहें हैं। चांदी की भोगा श्रीनिवास की प्रतिमा वो स्वरूप है जिसे रोजाना की ज्यादातर रस्मों में पूजा जाता है। यहाँ कोलुवु श्रीनिवास की प्रतिमा है जो मंदिर के विधि विधानों में प्रतीक के तौर पर शामिल होती है। उग्र श्रीनिवास भगवान के क्रोधित स्वरूप को दर्शाती है। और यहाँ है श्री मलयप्पा स्वामी, जिनके दोनों तरफ देवियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। यही वो प्रतिमा है जो रोज होने वाली पूजाओं के लिए गर्भगृह से बाहर जाती है, और इसी प्रतिमा की आने वाले सालाना महाब्रह्मोत्सवम के दौरान शानदार शोभा यात्राओं में सवारी निकाली जाएगी। प्रतिमाएं चाहे गर्भगृह के अंदर हों या बाहर, उन्हें कीमती नगीनों से बने गहने पहनाए जाते हैं, शानदार परंपरागत पोशाकें भी पहनाई जाती हैं। श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो भगवान को दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज भेंट करें, जैसे कि बेहतरीन सिल्क, बेहतरीन आभूषण, बेहतरीन फूल, मनमोहक सुगंध।
गर्भगृह के अंदर रोजाना के विधि विधान पूरे किए जाने में सिर्फ हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा प्रीस्ट्स का एक प्रीस्टहुड भी होता है, जिन्हें उन बेहद प्राचीन हिंदू शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता है, जिनमें माहिर होने में सालों लग जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर शेषाचलम के जंगलों में है धर्मागिरी। यहाँ बना है वेंकटेश्वर वेद विज्ञान पीठम, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ का माहौल वैदिक काल की याद दिलाता है। वेंकटेश्वर वेद विज्ञान पीठम 134 साल पहले बनाया गया था। ये क्वालिटी वैदिक एजुकेशन और मंदिर के पुजारियों और ब्रह्मनिकल स्कॉलर्स की ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया गया था। तब से यहाँ से कई पुजारी महापुजारी भगवान वेंकटेश्वर की सेवा कर चुके हैं। वेद विज्ञान पीठम आगे भी कई पुजारियों को तैयार करेगा। यहाँ पढ़ाने का प्राचीन तरीका देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स हजारों साल पुराने सूत्रों को पढ़ते हैं, वे खाना स आगम की ही तरह, जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जीवन और पूजा के तकरीबन हर पहलू के बारे में बताता है। 10 साल की छोटी उम्र के लड़के अपने घर और मेन स्ट्रीम स्कूल सिस्टम्स को छोड़कर संस्कृत के इन ग्रंथों में बताई फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स और नियम पढ़ने आते हैं। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, वैखनासा आगम की शिक्षा ले रहा हूँ। मेरे घर पर तो परिवार में सिर्फ 3-4 लोग ही हैं, लेकिन यहाँ पर 700 लोग हैं। यहाँ पूजा के अलावा बाकी चीज़ें रोज सिखाई जाती हैं, जिसका हमें पालन करना होता है। ग्रेजुएशन के बाद ये स्टूडेंट्स आगे तिरुमला मंदिर में प्रीस्टहुड परफॉर्म करने वाले 200 प्रीस्ट्स में से एक हो सकते हैं। लेकिन मंदिर और इसकी पवित्रता को बनाए रखना इसके पुजारियों का ही काम नहीं है। यहाँ एक ग्रुप है जो तिरुमला के ताने बाने में अहम है। ये हैं जियर्स। पूरे गर्भगृह की चाबी सही मायनों में इन्हीं के हाथों में होती है, सुबह मंदिर के दरवाजे खोलने से लेकर रात को उन्हें बंद करने तक। मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ का पूजा का विधि विधान क्या है। सुबह के विधि विधान के लिए पुजारियों के साथ मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। सुबह से देर रात तक पेडाजियार या उनके प्रतिनिधि के सामने सारे विधि विधान श्रद्धा और उल्लास के साथ पूरे किए जाते हैं। जियर्स उन श्री रामानुज के वंशज हैं, जो 11th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर और रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, और जिन्होंने इस मंदिर में होने वाली पूजाओं और विधि विधानों को काफी हद तक तय किया था।